स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेजल वर्ब्स। अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आपको फ्रेजल वर्ब्स आते हैं, क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स के जरिए आप अपनी इंग्लिश में चार चांद लगा सकते हैं, क्योंकि आप एक ही बात को कई तरीके से बोल सकते हैं। तो ये काम करते हैं फ्रेजल वर्ब्स। तो इस वीडियो में आप 20 फ्रेजल वर्ब्स सीखने वाले हैं, 20। और मैं बता दूं कि सबसे पहले आप ये सीखेंगे कि फ्रेजल वर्ब्स होते क्या हैं और कितने वर्ड्स के फ्रेजल वर्ब्स हो सकते हैं और उन्हें हम किन किन तरीकों से यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वेलकम टू कंटेंट की क्लासेस बाय इंग्लिश कनेक्शन डॉट ऑनलाइन। वैसे तो सारे के सारे फ्रेजल वर्ब्स बहुत ही अच्छे और बहुत ही यूनिक हैं, लेकिन फिर भी जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगे वो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं। तो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं तीन तरीके के, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स में एक तो वर्ब होता है फॉर श्योर, उसके अलावा एक प्रेपोजिशन हो सकता है। तो वर्ब और प्रेपोजिशन को अगर ऐड कर देंगे तो फ्रेजल वर्ब बन जाएगा। उसके अलावा दूसरा हो सकता है, एक तो वर्ब होगा जैसा कि मैंने बताया वो सब में होगा, और एक एडवर्ब हो सकता है, ठीक है। तो वर्ब और एडवर्ब को जोड़ दिया तो भी फ्रेजल वर्ब बन गया, ठीक है। उसके अलावा थ्री वर्ड्स के भी फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। तो ये तो टू टू वर्ड्स के हुए। अगर थ्री वर्ड्स के फ्रेजल वर्ब हैं तो उसमें एक वर्ब होगा, एक प्रेपोजिशन होगा और एक एडवर्ब होगा, ठीक है। तो दो या फिर तीन वर्ड्स के फ्रेजल वर्ब्स हो सकते हैं। अब बात ये करते हैं कि क्या फ्रेजल वर्ब्स को देख के हम उसके अर्थ को समझ सकते हैं। तो ये मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी तो जो वर्ड लिखे होते हैं वैसा ही अर्थ होता है, लेकिन कभी कभी उनसे बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। तो ये आप प्रैक्टिस के जरिए बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा फ्रेजल वर्ब्स का यूज समझ पाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक ही फ्रेजल वर्ब के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, कई सारे अलग अलग, ठीक है। ऊपर से कई बार क्या होता है कि जैसे कि गेट ले लिया, गेट वर्ब लिया, अब गेट ऑन, गेट अलोंग, सो इस तरीके से बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं एक वर्ड से, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप यूज करेंगे उतना ही ज्यादा आप समझ पाएंगे। तो बेहतर ये होगा कि आप वीडियो के जरिए, सेंटेंसेस के जरिए इसे अच्छे से समझें। अब मैंने जो एग्जांपल्स लिए हैं इसमें आपके काफी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप ये समझने वाले हैं कि फ्रेजल वर्ब्स को अलग भी किया जा सकता है, ठीक है। तो मैंने जो पहला फ्रेजल वर्ब लिया है वो है चॉप अप। तो चॉप अप भी बोल सकते हैं और किसी सिचुएशन में चॉप और अप को अलग भी कर सकते हैं, लेकिन हर बार करें ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर समझ पाएंगे कि आप कब कब किन सिचुएशंस में फ्रेजल वर्ब्स को अलग कर सकते हैं और कब कब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसका मतलब। चॉप अप, चॉप अप का मतलब होता है कट इंटू स्मॉल पीसेस, दैट मीन्स छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, ठीक है, किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। तो सेंटेंस है, टमाटरों को छोटा छोटा काट लो, चॉप अप द टमेटोज, चॉप अप द टमेटोज, ठीक है। इसे आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं नॉर्मल सेंटेंस में, कट द टमेटोज इंटू स्मॉल पीसेस, ठीक है। लेकिन अगर आप फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं तो हो जाएगा चॉप अप द टमेटोज, ठीक है। अब हम इसी चॉप और अप को अलग भी कर सकते हैं और बोल सकते हैं चॉप द टमेटोज अप, ठीक है। तो चॉप और अप के बीच में क्या आया, द टमेटोज, ठीक है। तो यहां इस सिचुएशन में दोनों को अलग भी कर सकते हैं और साथ में भी बोल सकते हैं। अब इसी एग्जाम्पल को मैंने थोड़ा सा बढ़ाया है और वो सेंटेंस बन गया, दो टमाटर लो और छोटा छोटा काट दो, ठीक है। टेक टू टमेटोज एंड से हमने जोड़ा सेंटेंस को, चॉप देम अप, ठीक है। तो यहां पे मैंने देम का यूज किया क्योंकि टमेटोज मैं पहले ही बोल चुकी हूं। तो अब ये जब देम हुआ तो देम क्या है, देम एक प्रोनाउन है, ठीक है। तो जब प्रोनाउन आता है तो वो फ्रेजल वर्ब के बीच में आता है, इसे आप इसके बाद में नहीं लिख सकते, आप नहीं बोल सकते चॉप अप देम, ठीक है। आप चॉप अप द टमेटोज बोल सकते हैं लेकिन चॉप अप देम नहीं बोल सकते। तो यहां पे आप इन दोनों को एक साथ नहीं लिख सकते, टेक टू टोमेटोज एंड चॉप देम अप, ठीक है। तो इस तरीके से आप काफी हद तक समझ गए होंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। अगला है कॉल ऑफ, ठीक है। तो कॉल ऑफ का मतलब होता है टू कैंसिल, कोई भी प्लान इवेंट है कुछ भी है उसे कैंसिल करना, यानी कि रद्द करना, ठीक है। उसने मीटिंग रद्द कर दी, ही कॉल्ड द मीटिंग ऑफ,
यहां मैंने अलग अलग करके यूज किया, आप इसी चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं, ही कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, ठीक है, ये साथ में भी आ सकते हैं, उन्होंने हड़ताल रद्द कर दिया, दे कॉल्ड द स्ट्राइक ऑफ, या फिर दे कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक. अगला है आस्क फॉर. आस्क फॉर फ्रेजल वर्ड है. अब इसके आगे मैंने लिख रखा है समथिंग, मतलब जब आप किसी चीज के लिए यूज करेंगे, ठीक है. आस्क फॉर समथिंग का मतलब होता है कुछ मांगना, ठीक है. तुम क्या मांग रहे हो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे, क्या इंग्लिश हो गई, व्हाट आर यू आस्किंग फॉर, व्हाट आर यू आस्किंग फॉर, तुम क्या मांग रहे हो. ये सेंटेंस आप कई बार यूज कर सकते हैं, क्योंकि दिन भर में आप ये सेंटेंस कई बार बोलते हैं. व्हाट आर यू आस्किंग फॉर, मैं पैसे मांग रहा हूं, आई एम asking for money, I'm asking for money. अगला है ask for somebody, ठीक है. तो ask for phrasal verb है और somebody यानी कि किसी person के लिए आप use करेंगे. तो जब आप कहीं जाते हैं, किसी को पूछते हैं, तो आप ये use करेंगे. किसी को पूछने का मतलब कि आप चाहते हैं कि वो person आपके पास आए और आपसे बात करें, ठीक है. Mr. Gupta manager को पूछ रहे हैं, Mr. Gupta is asking for the मैनेजर, ठीक है, आस्किंग फॉर द मैनेजर. अब क्या है, कोई दरवाजे पर है, आपको पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए कोई गेस्ट आ गया, आप अपने पापा से जाके बोलते हैं, कोई दरवाजे पर है, आपको पूछ रहा है. समवन इज एट द डोर, कोई दरवाजे पर है तो आप ऐसे बोलते हैं, समवन इज एट द डोर, आपको पूछ रहा है, आस्किंग फॉर यू, मतलब कि आपको बुला रहा है, ठीक है. तो ऐसे जगह पे आप यूज करेंगे आस्क फॉर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा फ्रेजल वर्ब है. तो आपने देख लिया आस्क फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए, आस्क फॉर समबडी, किस तरीके के इनके यूसेज हैं, ठीक है. अगला है कम अक्रॉस, वेरी इंपॉर्टेंट. कम अक्रॉस का मतलब होता है फाइंड एक्सीडेंटली, दैट मींस अचानक से कुछ मिल जाना, मतलब आप करने कुछ और गए हैं बट आपको कोई और चीज मिल जाती है, ठीक है. एग्जाम्पल्स देखिए, कमरे की सफाई करते वक्त मुझे मेरी पुरानी डायरी मिली. तो मैं कमरे की सफाई कर रहा था, मैं डायरी खोज नहीं रहा था, राइट. तो फिर भी मुझे वो डायरी मिल गई, कमरे की सफाई करते वक्त मुझे मेरी पुरानी डायरी मिली. व्हाइल क्लीनिंग द रूम, कमरे की सफाई करते वक्त, आई केम अक्रॉस माई ओल्ड डायरी, ठीक है, अचानक से मिल गई, तो आई केम अक्रॉस माई ओल्ड डायरी. अब देखिए, मान लीजिए ये एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, मान लीजिए आपको मेरी वीडियो एक्सीडेंटली मिल गई हो, आप कुछ और देख रहे हो और आपको मेरी वीडियो दिख गई, तो आपने उस पर क्लिक किया, ठीक है. तो इसे आप कैसे बोलेंगे, इंटरनेट पर कुछ देखते हुए मुझे आपकी वीडियो दिख गई, सर्फिंग द इंटरनेट. जब इंटरनेट पे आप कुछ चेक करते हैं तो आप सर्फ उसके लिए यूज करते हैं, सर्फिंग द इंटरनेट, या फिर आप बोल सकते हैं सर्फिंग द नेट. सर्फिंग द इंटरनेट आई केम अक्रॉस योर वीडियो, सो केम अक्रॉस, ठीक है. तो कम अक्रॉस की सेकेंड फॉर्म केम अक्रॉस, सर्फिंग द इंटरनेट आई केम अक्रॉस योर वीडियो, ठीक है. इस तरीके से आप कई सारे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके. अब मैं बताती हूँ आपको और फ्रेजल वर्ड्स, उससे पहले आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अगला है कम अलोंग. कम अलोंग का मतलब होता है किसी के साथ कहीं जाना, अकंपनी समवन व्हेन गोइंग समवेयर, ठीक है. सेंटेंस देखते हैं, मैं बाजार जा रही हूँ, साथ चलोगे. आई एम गोइंग टू द मार्केट, वॉन्ट टू कम अलॉन्ग, मतलब कि मेरे साथ चलना चाहते हो, वॉन्ट टू कम अलॉन्ग. दिस इज स्पोकन इंग्लिश, सो आप बोल सकते हो वॉन्ट टू कम अलॉन्ग. अगर कहीं लिख रहे हैं तो आपको लिखना होगा डू यू वॉन्ट टू कम अलॉन्ग, ठीक है. द नेक्स्ट वन इज सेट ऑन. सेट ऑन का मतलब होता है किसी व्यक्ति या जानवर को किसी के पीछे लगा देना या छोड़ देना. जैसे कि मान लीजिए कोई जा नहीं रहा है, तो आप बोल देते हैं कि अगर तुम अभी तुरंत नहीं गए तो मैं तुम्हारे पीछे कुत्ते छोड़ दूंगा. इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई सेट द डॉग्स ऑन यू, आई सेट द डॉग्स ऑन यू इफ यू डोंट गो राइट अवे, ठीक है. अगला देखते हैं कम ओवर. कम ओवर का मतलब होता है किसी के घर आना, टू कम टू समवन्स हाउस, ठीक है. तो अगर आप कम ओवर के साथ हाउस या होम ऐड नहीं करते हैं फिर भी चलेगा, बट इन केस आप ऐड करना चाहें तो कर भी सकते हैं, ठीक है. सेंटेंस है कल सुबह मेरे घर आ जाओ, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर दूंगी. कम ओवर टुमारो मॉर्निंग, यहाँ पे हमने होम या हाउस नहीं ऐड किया. कम ओवर टुमारो मॉर्निंग आई हेल्प यू विद दिस. सो यहाँ कम ओवर टुमारो मॉर्निंग का मतलब हो गया कल सुबह मेरे घर आ जाना. अगला है गेट अलोंग. गेट अलोंग इसका मतलब होता है
पटना, जमना या फिर बनना, ठीक है। अब आप सोचेंगे ये कैसे वर्ड्स हैं, एग्जांपल में ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मेरी और मेरे भाई की नहीं बनती, मतलब कि हम दोनों में अक्सर झगड़ा हो जाता है, या फिर मेरी और मेरे भाई की नहीं फटती, ठीक है। तो इसके लिए आप गेट अलोंग का यूज करेंगे, आप बोलेंगे माई ब्रदर एंड आई डोंट गेट अलोंग, डोंट गेट अलोंग, ओके। वैसे ये सिर्फ एक सेंटेंस है, मेरी और मेरे भाई की बहुत अच्छी जमती है, तो मैं बोल सकती हूँ माई ब्रदर एंड आई गेट अलोंग वेरी वेल। एक बात मुझे यहाँ और बतानी है कि यहाँ मैंने मेरी पहले बोला था, मेरे भाई बाद में, लेकिन इंग्लिश में मैंने माई ब्रदर पहले लिखा और आई बाद में लिखा। तो इसके पीछे एक रीजन है, जब भी एक से ज्यादा नाउन हो और उसमें मैं का जिक्र हो, यानी कि आई का, तो आई हमेशा बाद में आता है। इसमें एक फॉर्मूला चलता है जो कि है 2-3-1, ये आप याद रखेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे, जिसका मतलब हुआ सेकेंड पर्सन पहले आता है यानी कि यू, फिर थर्ड पर्सन यानी कि ही शी इट दे ये, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आई या फिर वी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि जब आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो ताकि आपको याद रहे, सॉरी, ठीक है। तो 2-3-1, तो अगर सेंटेंस में तीन नाउन्स आते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं कहती हूँ कि मैं, तुम और रोहन नहीं जाएंगे, तो मैं सबसे लास्ट में रखना है, तुम सबसे पहले रखना है जो कि सेकेंड पर्सन होता है यू, ठीक है, और रोहन को बीच में रखना है, तो हम क्या बोलेंगे, यू रोहन एंड आई विल नॉट गो, ठीक है। आप ये नहीं बोलेंगे आई यू एंड रोहन जैसा हिंदी में बोला था, इंग्लिश में चलेगा यू रोहन एंड आई विल नॉट गो, ठीक है। पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, 2-3-1, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ओके। द नेक्स्ट वन इज पुट अप विद, पुट अप विद समबडी और समथिंग, इसका मतलब होता है बर्दाश्त करना या फिर झेलना, ठीक है। सेंटेंस अच्छे समझ पाएंगे, मैं उसे नहीं झेल सकती, वो बहुत बोलता है, तो यहां आप लिखेंगे आई कांट पुट अप विद हिम, आई कांट पुट अप विद हिम, ही इज सो टॉकेटिव, वो बहुत बोलता है, ठीक है। अब इसमें एक और सेंटेंस जोड़ते हैं समथिंग के लिए, पुट अप विद समथिंग, ठीक है। मान लीजिए आप कहते हैं कि कोई भी तुम्हारा ये बुरा व्यवहार नहीं झेल सकता या नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो आप बोलेंगे नो वन कैन पुट अप विद योर बैड बिहेवियर, ठीक है। इस तरीके से आप और भी सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिएगा, दिस इज द टाइम फॉर द स्क्रीनशॉट। अगला है शट अप, आप शट अप कई बार बोलते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आप ये एक फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं? जी हाँ, शट अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है चुप करना या चुप कराना भी, ठीक है। तो सेंटेंस है, मैंने कहा था ना चुप रहने को, आई टोल्ड यू टू शट अप, डिडंट आई? तो जब भी आप इस तरीके से कोई चीज बोलते हैं है ना, तो वहां पे आप क्वेश्चन टैग्स यूज करते हैं, वो आप आगे के वीडियोज में सीखेंगे, ठीक है। बच्चों को चुप कराओ, Shut the children up. Shut the children up. ठीक है, तो shut up का मतलब चुप कराना भी होता है। अब अगला है come off. इसका मतलब होता है अलग हो जाना, मतलब something becomes separated from the other thing. ठीक है, दो चीजें जो जुड़ी हुई हैं उनका अलग हो जाना। तो मेज का एक पैर निकल गया, मेज में पैर जोड़े हुए होते हैं, मेज का एक पैर निकल गया, one of the legs has come off the table. One of the legs has come off the table. उसके बाद आपको और कोई preposition add करने की जरूरत नहीं है. Next is दीवार का paint निकल रहा है. दीवार पर जो painting होती है, वो जब अलग होने लगती है, उसके लिए भी आप come off use कर सकते हैं. The paint is coming off the wall. Coming off the wall. ठीक है, कोई और preposition add नहीं हुआ है. अब देखिए अगला है wear off. Wear off का मतलब होता है धीरे धीरे कम हो जाना, to disappear gradually, ज्यादातर जैसे किसी चीज का असर, ठीक है। एक सेंटेंस देखते हैं, एक घंटे में दर्द कम हो जाएगा, the pain will wear off in an hour, ठीक है। तो आपने पेन के लिए wear off यूज किया, फीवर के लिए भी wear off यूज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है मिचली कम हो जाए तब फिर से गाड़ी चलाना। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको मिचली आने लगी, तो उस पर किसी ने ये बात बोली, तो वो इंग्लिश में बोलेंगे स्टार्ट ड्राइविंग अगेन वंस योर नोजिया वेयर्स ऑफ। मिचली को इंग्लिश में नोजिया बोलते हैं, ठीक है। स्टार्ट ड्राइविंग अगेन वंस योर नोजिया वेयर्स ऑफ, ठीक है, वेयर्स ऑफ।
अगला है लुक आफ्टर, इसका मतलब होता है ध्यान रखना या फिर ख्याल रखना, मतलब कि टेक केयर ऑफ। ठीक है, सेंटेंस है, मैं नहीं आ सकती, मुझे दादाजी का ख्याल रखना है। आई कांट कम, आई हैव टू लुक आफ्टर माई ग्रैंड फादर, आई हैव टू लुक आफ्टर माई ग्रैंड फादर। इसी तरीके से एक और सेंटेंस लेते हैं, मान लीजिए आप कहीं जाते हैं तो कोई आपसे कहता है तुम यहाँ हो तो तुम्हारी बेटी का ध्यान कौन रख रहा है। इफ यू आर हियर हु इज लुकिंग आफ्टर योर डॉटर। ठीक है, इस तरीके से आप लुक आफ्टर का यूज कर सकते हैं। इट्स टाइम फॉर अ स्क्रीनशॉट। अगला है ब्लो अप, इसका मतलब होता है फुलाना या फिर हवा भरना। ठीक है, अगर कहते हैं ये गुब्बारा फुला दो, ब्लो अप दिस बलून या फिर ब्लो दिस बलून अप। ठीक है, तो इसे अलग भी कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लो अप का और भी एक मीनिंग है, मतलब कि धमाके से उड़ा देना। ठीक है, जैसा कि आपने न्यूज वगैरह में भी सुना होगा, आतंकवादियों ने इमारत उड़ा दी, टेररिस्ट ब्लू अप द बिल्डिंग। तो ब्लो की सेकेंड फॉर्म ब्लू, ब्लू अप द बिल्डिंग। तो एक ही फ्रेजल वर्ब की और अलग अलग मीनिंग्स भी हो सकते हैं। मान लीजिए मैंने कोई एक मीनिंग यहाँ बताई है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका सिर्फ यही मतलब होता है, ये भी होता है, और जो आप जानते हो या कुछ आप नया सीखेंगे वो भी होता है। मैं एक ही वीडियो में सारी अगर मीनिंग्स आपको दूँ तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं एक ही एक मीनिंग देना चाहती हूँ। अगला देखिए बैक अप, बैक अप के और भी मीनिंग्स होंगे बट यहाँ पे मैंने लिया है साथ देना। बैक अप का मतलब होता है साथ देना। अगर मीरा यहाँ होती तो वो मेरा साथ देती। मीरा वुड बैक मी अप इफ शी वर हियर। तो क्योंकि इमेजिन कर रही हूँ, एक कंडीशन रख रही हूँ कि अगर वो यहाँ होती, इसलिए मैंने शी के साथ वर यूज किया। ठीक है, मीरा वुड बैक मी अप इफ शी वर हियर। ठीक है, अगला देखते हैं बैक आउट। इस बैक आउट का मतलब है मुकरना या फिर पीछे हटना, किसी बात से मुकर जाना। तुमने मुझसे वादा किया था, अब तुम मुकर नहीं सकते। You promised me, now you can't back out. तो जो वादा किया था उस वादे से मुकर नहीं सकते, उसके लिए यहाँ पे back out use किया। ठीक है, अगला लिया है back out of. तो जब आपको बात आगे continue करनी है, उसमें कुछ add करना है जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो आप off का use करेंगे। किसी बात से पीछे हटना, सरकार अपनी बात से पीछे हटने की कोशिश कर रही है। The government is trying to back out of its कमिटमेंट। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू बैक आउट ऑफ इट्स कमिटमेंट। ठीक है, इस तरीके से आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब अगला है स्टिक टू, ये इसका ऑपोजिट हो गया। बैक आउट का मतलब था मुकर जाना, स्टिक टू का मतलब होता है किसी बात पर कायम रहना, उसे निभाना। ठीक है, क्या तुम अपने फैसले पर कायम रहोगे? विल यू स्टिक टू योर डिसीजन। ठीक है, विल यू स्टिक टू योर डिसीजन, मान लीजिए यही सेंटेंस देते हैं, क्या सरकार अपनी बात पर कायम रहेगी? विल द गवर्नमेंट स्टिक टू इट्स कमिटमेंट। तो इस तरीके से आप ढेरों सेंटेंसेस बना सकते हैं। गाइस, आज के 20 फ्रेजल वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। और राइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपने वीडियो खूब एंजॉय की हो और काफी कुछ आपने नया सीखा हो और मैं आपकी कुछ मदद कर पाई हूँ। एंड आई होप कि अभी तक आपने अपना फेवरेट फ्रेजल वर्ड भी कॉमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज लेकर आती रहती हूँ, ग्रामर लेसन्स लेकर आती रहती हूँ, डेली यूज सेंटेंसेस लेकर आती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके बाद आने वाले बेल के निशान को जरूर प्रेस करें, ताकि आप मेरी एक भी वीडियो मिस ना करें। एक वीडियो बनाने में गाइस बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि कई बार मुझे लिखना पड़ता है, मिटाना पड़ता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। वन मोर थिंग गाइस, अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।